क्या लव मैरिज करना एक अपराध है, या इंटरकास्ट मैरिज करना एक अपराध है, या फिर एक मिडिल क्लास होके अपर क्लास बिजनेसमैन की लड़की से प्यार करना और शादी करना एक अपराध है। आज की हमारी कहानी है ऐसे ही दो प्रेमियों की, ऐसे ही दो लव बर्ड्स की, जिन्होंने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ खो दिया। ये कहानी है रिजवान और रहमान और प्रियंका तोड़ी की। रिजवान एक प्राइवेट ट्यूशन में कंप्यूटर ग्राफिक्स टीचर थे और प्रियंका तोड़ी उनकी स्टूडेंट थी। रिजवान और प्रियंका का अफेयर काफी टाइम से चल रहा था और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनकी शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। प्रियंका तोड़ी के पापा अशोक तोड़ी एक रिच बिजनेसमैन थे, वो लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक थे और प्रियंका तोड़ी लक्स इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस। प्रियंका तोड़ी को पता था कि उनके फादर अशोक तोड़ी प्रियंका और रिजवान की शादी के लिए कभी हाँ नहीं भरेंगे, जबकि रिजवान की फैमिली को प्रियंका और रिजवान की शादी से कोई एतराज नहीं था। 18 अगस्त 2007 रिजवान और प्रियंका ने डिसाइड किया कि वो दोनों गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट ऑफ मैरिज को यूज करके कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज के काफी टाइम बाद तक प्रियंका ने अपने पापा को नहीं बताया था कि उनने रिजवान से शादी कर ली है और वो अभी भी अपने पापा के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। फिर फाइनली 31 अगस्त को प्रियंका रिजवान के घर में उनके साथ शिफ्ट हो गई और प्रियंका ने अपने पापा अशोक तोड़ी को फोन पे बताया कि उन्होंने रिजवान से शादी कर ली है और अब वो रिजवान के साथ रिजवान के घर में ही रहेंगे। प्रियंका तोड़ी को कहीं ना कहीं पता था कि उनके पापा अशोक तोड़ी उनकी और रिजवान की शादी से खुश नहीं होंगे और उन दोनों को अलग करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही रिजवान और उनकी फैमिली को धमकियां मिलने लगी। प्रियंका और रिजवान इस बात से काफी परेशान होने लगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता पुलिस को एक लेटर लिखेंगे और उसमें सारी हकीकत बयां कर देंगे। लेटर में उन्होंने अपनी सारी हकीकत बताई और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उनके पिता अशोक तोड़ी से मिले हुए थे और वो चाहते थे कि कैसे भी प्रियंका और रिजवान को अलग किया जाए। रिजवान और प्रियंका को काफी बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया और रिजवान पर ये दबाव डाला गया कि वो प्रियंका को छोड़ दे। उस टाइम के कुछ मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि रिजवान से धर्म परिवर्तन करने की भी बात की गई और रिजवान इस चीज के लिए रेडी थे, क्योंकि शायद यही एक सोल्यूशन था उनकी लाइफ पीसफुल करने का। 7 सितंबर 2007 अशोक तोड़ी के भाई प्रदीप तोड़ी ने डीसीपी कमिश्नर से मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने पुलिस को एक लेटर लिखा ये बोल के कि रिजवान ने उनकी बेटी प्रियंका तोड़े को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। उसके बाद डीसीपी ने रिजवान को समझाया कि अगर रिजवान इस केस को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक हफ्ते के लिए प्रियंका को अपने घर भेज दें। 8 सितंबर 2007 प्रियंका तोड़े को पता चलता है कि उनके पापा अशोक तोड़े की तबीयत थोड़ी खराब है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। अशोक तोड़ी की फैमिली ने रिजवान को यह आश्वासन दिलाया कि वो एक हफ्ते के बाद प्रियंका तोड़ी को वापस रिजवान के घर भेज देंगे, लेकिन ऐसा था ही नहीं। अशोक तोड़ी बीमार थे ही नहीं, वो तो बस चाहते थे कि उनकी बेटी प्रियंका कैसे भी करके घर आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक रचा। फिर जब प्रियंका तोड़ी अपने पापा अशोक तोड़ी के पास आ गई तो उनको रिजवान से बात करने की इजाजत नहीं थी। रिजवान से प्रॉमिस किया गया था कि एक हफ्ते बाद प्रियंका को उनके घर भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद प्रियंका ने बहुत कोशिशें की रिजवान से बात करने की और फिर एक आखिरी बार, शायद उनको पता भी नहीं था कि वो आखिरी बार रिजवान से बात कर रही है। 11 सितंबर को प्रियंका और रिजवान ने एक आखिरी बार बात की। 21 सितंबर 2007 ये दिन रिजवान की लाइफ का आखिरी दिन था। 21 सितंबर को रिजवान की बॉडी रेलवे ट्रैक्स के बाद पड़ी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी कैसे और कब आई। जब बॉडी को उठाया गया
तो उनके सर के पीछे एक घाव था। पुलिस का कहना था कि एक सुसाइड केस है, लेकिन उस टाइम के मीडिया में ये बात फैल गई कि शायद पुलिस भी अशोक तोड़ी की फैमिली से मिली हुई है और शायद एक सुसाइड केस नहीं एक मर्डर केस हो सकता है। लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि रिजवान सुसाइड कर सकते हैं और ये एक सुसाइड केस है। उस टाइम लोगों ने कैंडल मार्च निकाली, रिजवान को याद किया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई छोटी सी बात भी कब बड़ी हो जाए पता नहीं चल सकता। वो कैंडल मार्च कब पत्थरबाजी में कन्वर्ट हो गई नहीं पता चला। वो पत्थरबाजी इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने पुलिस की वैन और जीप्स को भी आग लगा दी। रिजवान की मौत की बात हर जगह थी, हर कोई गुस्से में था, सब जानना चाहते थे कि आखिर ये मौत कैसे हुई। उस टाइम के सीएम जब रिजवान की फैमिली से मिलने जाते हैं तो उनको भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इस केस ने हवा पकड़ ली और ये केस हाईकोर्ट तक पहुंच गया। रिजवान की मां का मानना था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। फिर हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया कि वो इस केस की जांच करे। उस टाइम के सीएम ने पब्लिक को ये भरोसा दिलाया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इस केस से जुड़ा है तो वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 2008 में सीबीआई की जांच के बाद पता चला कि रिजवान उर रहमान ने सुसाइड किया है। सीबीआई का ये कहना था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स द्वारा और अशोक तोड़े की फैमिली के द्वारा रिजवान पे इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। रिजवान के एक फैमिली फ्रेंड सईद उर्फ पप्पू को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। अशोक तोड़ी, प्रदीप तोड़ी और उनके रिश्तेदार अनिल को 2008 दिसंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जनवरी 2009 में उनको जमानत भी मिल गई। मई 2010 कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में हत्या का केस दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया और बोला कि सीबीआई को 4 महीने में इस केस की रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन इस बात से कुछ लोग खुश नहीं थे। अशोक तोड़ी और सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजवान की मौत के केस को फिर से शुरुआत से चालू करने के लिए मना करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की फिर से एक बार कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद प्रियंका के फादर अशोक तोड़ी पर रिजवान को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बना और सुनवाई चालू हुई। आजकल प्रियंका तोड़ी अपने पापा की कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। वो कभी कभार अपने पापा के साथ कोई अवार्ड फंक्शन में या कोई सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख जाती हैं। आपको क्या लगता है, रिजवान के साथ जो भी हुआ उसके बाद उनको इंसाफ मिला या नहीं? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।